नमस्कार, आप सभी के स्टडी मेंटर में स्वागत है। मेंस सीरीज़ में हम जीएस पे बात कर चुके हैं, जो मेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स होती है उस पर हमने बात की थी पार्ट वन में, और पार्ट टू में हमने जो मेंस के लिए किताबें हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑप्शनल को लेके मैं समझ सकता हूँ आप सभी के काफ़ी सारे संशय होंगे, और हमने ग्रुप में भी जो हमारा बीपीएससी मेंटर ग्रुप है वहाँ भी हमने जो किताबों की सूची है वो वहाँ पे जो बीपीएससी मेंटर ग्रुप की एल्बम है वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी थी, जो मेरे अनुभव थे जिस आधार पे मैंने बीपीएससी क्वालिफाइड किया और 277 नंबर मुझे मिले थे, 277। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी डाला था जो मेरे मार्कशीट पर आधारित था। 277 मुझे ज्योग्राफी में मिले थे, और मेरा ग्रेजुएशन भी बीए ऑनर्स है ज्योग्राफी में, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, और 1600 नंबर का हमारा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी था, और हिंदी में मुझे 284 नंबर मिले थे, 284 आउट ऑफ 400। तो ये दोनों मेरे विषय थे, हिंदी से मैंने बाद में एमए किया था, तो दोनों मेरे एकेडमिक्स विषय थे और इसी को मैंने लिया भी था। तो आज का जो वीडियो है उसमें ये बातें हैं कि ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल लेना है, कैसे लेना है, उसकी स्थिति क्या है, बीपीएससी में उसकी परफॉर्मेंस पिछले 2-3 एग्ज़ाम्स में कैसी रही है, और बात होती है कि क्यों ले ज्योग्राफी, क्यों और कैसे, कब किस स्थिति में ले, कि आपके अंदर उसका उसके लिए जो टेम्परामेंट है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए समझने के लिए वो आपके अंदर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर ऑप्शनल पर भी वीडियो बनाइए, तो किताबों की सूची तो ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मैसेज मुझे लगातार फेसबुक पर मिल रहे थे, तो या हमारे ग्रुप में भी पोस्ट आ रहे थे ऐसे, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ सब्जेक्ट वाइज कम से कम 8-10 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके वीडियो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, और बुक्स भी आएंगी आगे। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में हम अभी बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करेंगे, सारे कॉन्टेक्स्ट को जानेंगे। बीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फेसबुक पे जो है ये हमारा ग्रुप है बीपीएससी मेंटर ग्रुप, 41,000 से ज़्यादा मेंबर है, महज 1 से 1.5 साल हुए हैं इस ग्रुप के, और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला, अभी सबसे अच्छा जो है बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ये ग्रुप है, किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर इसको डेफिनेटली, और जो हमारा ये चैनल है स्टडी मेंटर इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा टिक कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट होगा, जो भी हम काम का अपडेट होगा हम आपको करते हैं, या जो अच्छे वीडियोज होते हैं एक प्रॉपर रिसर्च के बाद आपको जो है देते हैं, ताकि जो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात की कहेंगे तो मैं ज्योग्राफी की आपको 25-30 किताबें बता दूंगा, मैं इस पर ऑनर्स किया हूँ, काफ़ी अच्छी मेरी पकड़ रही है, तो 25-30 किताबें मैं इस पर बता दूंगा, लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं है। यही हमें बचना है कि हमें जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो लिखते हैं कि हमें ग्रेजुएशन का हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, स्पेशली जो है ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, और कहाँ का, तो पटना यूनिवर्सिटी के लेवल का। तो मतलब कि इतना आप अब मान लीजिए कि कोई होता क्या है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी में पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि अब वो लगेंगे फॉरेन राइटर का, फॉरेनर जो स्कॉलर्स हैं उनका, जो उनकी जो किताबें लिखी हुई हैं उनकी रिसर्च किताबों का आप एग्जाम्पल देने लगेंगे या उस स्टैंडर्ड पर जाएंगे, तो जो अपने यहाँ का एग्जामिनर है उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है बाहर जा रहा है, या हो सकता है वो उस रिसर्च से परिचित ही नहीं हो। तो आपको एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अपना वहाँ पर शो ऑफ नहीं करना है कि मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, बात को समझिए, आपको एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ ज्योग्राफी में, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड को मेंटेन करके उसी लेवल पर चलना है। ठीक है, दूसरी बात है कि कम से कम जो भी अध्ययन स्रोत हो सकते हैं, कम से कम अध्ययन स्रोतों का आपको उपयोग करना है, बहुत ज़्यादा किताबें लेने से बचनी है। ऐसा नहीं कि आप 20-25 किताबें ले लीजिए रूम पे, और रूम पे ऐसे भी ज्योग्राफी की किताबें इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं कि फिर वो आपके रूम की जो सो है वो बढ़ाएगी, और आपका जो है टेंशन तनाव लगातार बढ़ते जाएगा। तो ये मैं बहुत आपको कम किताबें बताऊंगा, और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उतना ही आप पढ़िए, ज़्यादा रिसर्च मत कीजिए। ठीक है, इतना ही पढ़िए कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो, मतलब 70% तक आपको नंबर, 60-70% मिल गया तो बस काम हो गया। मेरा भी 70% ही नंबर था, 277 है 400 में, आप समझ सकते हैं, और सब में बैलेंस करके मैंने नंबर लाया था। ऐसा मत कीजिएगा कि ज्योग्राफी में डूब गए और जीएस को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, सब में बैलेंस करके लाइए, फिर आपका सिलेक्शन डेफिनेटली
बहुत अच्छे रैंक के साथ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आते हैं कि अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी का जो कंडीशन है वो क्या है, अभी करेंटली जो है उसका सिनेरियो क्या है बीपीएससी में, तो पहले तीन सवाल इसके लिए उठते हैं। एक तो जो ज्योग्राफी की स्थिति, मतलब कि कह सकते हैं उसको कंडीशन, कंडीशन क्या है अभी बीपीएससी में, ठीक है। उसके बाद आएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, पिछले दो तीन एग्जाम्स में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, और क्यों और किस स्थिति में ये ऑप्शनल लिया जा सकता है, तीन कॉन्टेक्स्ट में बात करना। तो पहली बात है कि अभी जो है इसका जो ज्योग्राफी की स्थिति है, जो कंडीशन है वो क्या है, ज्योग्राफी में क्या अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं है पहले से ज्योग्राफी के बारे में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है पहले समझ लीजिए। एक तो इसका सिलेबस बड़ा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस रियली में बड़ा है, मजाक के सेंस में नहीं है, रियली बड़ा है इसका। दूसरी बात है कि इसमें आपको ज्योग्राफी के फंडामेंटल चीज़ें भी करनी है, फंडामेंटल, और इसके साथ क्या करना है, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आएगा लेकिन आप, मैं समझ सकता हूँ आप चीज़ों को आसानी से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़नी है आपको, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है और बिहार की ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तो ये तीनों कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना है, और जो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, ओशनोग्राफी है, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन ये है कि परफॉर्मेंस की बात करें कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, तो पिछला जो 53-55 जो हम लोगों के बैच से पहले का एग्ज़ाम था, 53-55 में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हुए, इवन जो फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर थे उनके भी जो है, जो रजनीश कुमार जी थे और उनके अलावा जो है फर्स्ट रैंक पे शायद कोई उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रदीप जी कोई थे, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, 53वीं से 55वीं, तो उसका उनका भी शायद आई थिंक ज्योग्राफी ही था। सेकंड जो रजनीश जी थे जो अभी डिप्टी एसपी हैं उनका बिल्कुल था, उनका जूलॉजी और ज्योग्राफी था मुझे जहाँ तक याद है, और 53वीं से 55वीं का ये स्थिति है। उससे पहले की बात करें तो 48 से 52 में जो है फर्स्ट रैंक पे थे प्रशांत सिंह जी, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे प्रशांत सिंह, अभी वर्तमान में ये IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इन्होंने डिप्टी एसपी लिया था फर्स्ट चॉइस, तो इनका भी ऑप्शनल एक ज्योग्राफी था और दूसरा फिलॉसफी था, क्योंकि उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, 10 में ये शायद रिजल्ट आया था, 9 या 10 में, तो मुझे याद है कि जो है इनका मैंने देखा था इंटरव्यू प्रतियोगिता दर्पण में, तो इनका भी एक ज्योग्राफी और दूसरा फिलॉसफी था। तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत ज्योग्राफी के साथ नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लगातार। ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि क्यों ले ज्योग्राफी, क्यों और किस स्थिति में आप में ऐसा क्या गुण होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी को जो है हैंडल कर सकते हैं। तो क्यों की बात करें तो एक तो ये GS2 में आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है, उसके अलावा बात करें तो ये प्रीलिम्स में फ़ायदा देने वाला है, ठीक है, उसके बाद तीसरी बात करें तो ये इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यू आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, मतलब हर बीपीएससी में डूबने वाली संकट वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, कब ले स्थिति, चौथा बात है कि कब आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हो कि आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, कब लें, तो इसके लिए एक चीज़ ये है कि आपको मैप जो है बनाने आता हो, नहीं आता हो तो प्रैक्टिस करके देखिए, मैप तो आना ही चाहिए, मैपिंग इंडिया का आपको आना चाहिए, वर्ल्ड का आना चाहिए और बिहार का भी आपको मैपिंग आना चाहिए, साथ में जो जो ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इन्वायरमेंट, अगर मान लीजिए कि आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको वायुमंडल का डायग्राम बनाना पड़ेगा, या अपर्दन चक्र पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी डेविस या पेंक का अपर्दन चक्र है जो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है उसकी मैप बनानी आनी चाहिए, टेबुलेशन आना चाहिए, डाटा को याद करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, डाटा तो खैर आपको हर जगह काम आएगा, वो GS में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, तो ये सब गुण आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा मैपिंग का प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपसे बनता है, सरदर्द नहीं होता है बनाने की प्रक्रिया में, इतना आपका हाथ फ्रेश है, या प्रैक्टिस के बाद अगर सुधार सकते हैं तो डेफिनेटली ज्योग्राफी के साथ आप जा सकते हैं। तो ये चार सिनारियो हो गया जो कि एक ऑप्शनल लेने से पहले आपके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद अब हम आते हैं कि इसका सिलेबस एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आएंगे कि कौन कौन सी किताबें हमें लेनी हैं। ये सिलेबस आपके सामने है, इसमें तो एक पहला जो है इसमें दिख रहा है आपको भौतिक भूगोल, ये सिलेबस आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, bpsc.bih.nic.in पे जाएंगे, लेफ्ट साइड में सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा, ऊपर हिंदी में होगा और नीचे जाएंगे तो इंग्लिश में मिल जाएगा। इसमें
क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी पहला है, फिर है क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद तीसरा है सॉयल एंड वेजिटेशन अर्थात मृदा एवं वनस्पति, चौथा है ओशनोग्राफी अर्थात महासागरीय विज्ञान, पांचवा है पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम। तो इसमें ये पूरा सिलेबस आप देखिए, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल है, इसमें थॉट है सबसे पहले भौगोलिक चिंतन का विकास, तो ये सब चीज़ें हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें जो है बस्ती भूगोल है, बस्ती भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन हर साल होते हैं, ठीक है। तो बस्ती विज्ञान को तो अच्छा से करना पड़ेगा, इसमें सेलेक्टेड स्टडी भी करके आप अपना काम बहुत आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो भी सिनारियो है इसमें देख सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में इंडस्ट्री है या परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इंडिया में उसको देखना है, सेटलमेंट का देखना है, इंडिया में सेटलमेंट पैटर्न क्या है, कहाँ पे किस तरह का है और उस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे आप पेपर वन की बात करें, जो सेक्शन वन है, अब तो पेपर दो पेपर में होता नहीं है, पेपर वन ही है, अब सेक्शन वन ही है। तो इसमें अगर आप ये सेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेविस और पेंग का हर साल एक क्वेश्चन होता है, या फिर प्लेट विवर्तनिकी है, उसके बाद जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको ज़रूर करना चाहिए। डेविस पेंग से हर साल क्वेश्चन रहता है, मेरे बैच में नहीं था लेकिन लगभग हर साल होता है, तो ये आपका होना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी में जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो क्वेश्चन होता है, एक तो कोपेन और थॉर्नमेट, ये लगभग सभी साल पूछा है मेरे बैच को, 56 से 59 को छोड़ के लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो ये है। उसके बाद जो है सॉयल से यहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स आते हैं, ओशनोग्राफी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली होता है, यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र से शॉर्ट नोट्स ही आता है, या इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है बस्ती भूगोल का, ठीक है। उसके बाद जो है भौगोलिक चिंतन से क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो है डिटर्मिनिज्म से, द्वैतवाद से, वहाँ से होता है, निश्चयवाद से होता है, तो ये सारी चीज़ें इससे सिलेबस आप हिंदी इंग्लिश में देख लीजिएगा। और जो एंसर लिखने होते हैं ऑप्शनल में, वो लगभग 600 शब्दों में कम से कम आपका होना चाहिए, अर्थात 5 पेज के राउंड में, 5 से 6 पेज, ठीक है। 5-6 पेज मतलब कि एक दो, एक ही पन्ने में दोनों साइड मिला के एक दो, ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग, तो वो 12 हो जाएंगे, 6 ही लिखना होता है, 6 के आसपास आप चलिएगा, उससे ज़्यादा मत जाइएगा, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं किताबों पर, कौन कौन सी किताबें हमें फॉलो करनी चाहिए। हाँ, तो पहली बात कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें किताबों की सूची आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली बात कि भौतिक भूगोल आता है शविंदर सिंह का, ये आपने लेनी है, चाहे आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, ले लीजिए, ये अच्छी किताब है। बेसिक ज्योग्राफी में इसी को जो है ज़्यादातर बिहार का प्रोफेसर जो है प्रेफरेंस देते हैं। वैसे डी लाल की भी किताब, सॉरी डी दयाल की भी आती है, वो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, तो वैसी किताबों से बचिएगा, क्योंकि एक प्रोफेसर का दूसरे प्रोफेसर से प्रतिद्वंदिता होती है, तो वो अगर उन्हें लगेगा कि ये डी दयाल के बुक से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा उन्हें और लगेगा, या चतुर्भुज ममोरिया का भी आती है, बहुत से ऑथर्स की किताबें आती है, तो सविंदर सिंह के साथ आप डेफिनेटली जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी आती है, जो ये वही किताबें मैं बता रहा हूँ जिनको आपको लेना है, हर हाल में लेना है, ये लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है, ये मिनिमम है लेने के लिए, 25 किताबें मैं बता दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जलवायु विज्ञान विज्ञान का है, डी एस लाल की किताब आती है, इसको ले लीजिएगा। और डी एस लाल सर की एक और किताब आपने लेनी है, वो है समुद्र विज्ञान, उसको बोलते हैं हिंदी में ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। इन सारी किताबों का मैं अमेज़न का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको इच्छा हो तो वहाँ से ले लीजिएगा, अदरवाइज़ जो है आप जो भी आपका नियरेस्ट बुक शॉप होगा वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा होगी उस अनुसार से आप देख लीजिएगा। भारत के भूगोल में जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो माजिद हुसैन सर की किताब को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप आरसी तिवारी सर की बुक के साथ जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। एक मतलब कि इसका रिकमेंडेशन मुझे कैसे मिला था, तो जो 2009-10 बीपीएससी का 48 से 52 का जो टॉपर थे प्रशांत सिंह जी, उन्होंने बताया था, तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने यही किताब ली थी, आरसी तिवारी सर की किताब, तो ये बहुत अच्छी किताब है, इसको भारत के भूगोल में आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी मोटी किताब है लेकिन सिलेक्टेड स्टडी करना है सिलेबस के अनुसार, ये नहीं कि किताब शुरू से शुरू किया पूरी किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो सिलेबस में है वहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो वो चैप्टर्स पढ़िएगा, इसमें जो है आप यूज कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जैसे मैंने महेश कुमार बर्णवाल की जो किताब बताई थी मैंने प्रीलिम्स के लिए, उसको भी आप जो है भारत का भूगोल में यूज कर सकते हैं, दोनों मिलाकर सिलेक्टेड पढ़िएगा, ठीक है। भारत का भूगोल में एक आनंद राज है, पटना में एक सर हैं जो मिशन 50, शायद इनकी कोचिंग है, तो इनका कुछ वो आता है, फोटोकॉपी में मिल जाएगा आपको, 2005-07 की कोई किताब इनकी लिखी हुई है,
तो एक बार मैंने देखा था, खैर लेट हो गई थी मुझे लेने में, मैं ले नहीं पाया था, लेकिन ये किताब ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है बिहार के भूगोल वाले में जो प्रीलिम्स का आप किताब यूज कर रहे हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिहार के भूगोल में बहुत सी बातें वहाँ से आपको मिल जाएगी, तो इसको आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एक आपको लेनी है ज्योग्राफिकल मॉडल, मतलब कि उसको बोलते हैं भौगोलिक मॉडल्स। मॉडल्स में क्या क्या रहता है, जैसे जो भी मॉडल्स हैं ज्योग्राफिकल की मॉडल्स, मतलब कि डेविस पेंग का सिद्धांत है, या जो प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट है, या सीबीडी का है, ये सब जो भी सिद्धांत है ज्योग्राफी से जुड़े हुए, इनसे एक क्वेश्चन होता है अक्सर बीपीएससी में। तो ज्योग्राफिकल मॉडल्स का माजिद हुसैन का केवल यही किताब आपको लेनी है, माजिद हुसैन और रमेश सिंह दोनों ने मिलकर लिखा है इस किताब को, तो ये किताब आप ले सकते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से होता है, तो ये किताब 100-150 की मेरे अंदाज से होगी, बहुत ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, इसको आप ले सकते हैं। भौगोलिक चिंतन का एक ज्योग्राफिकल थॉट बोलते हैं, उसकी किताब भी आती है माजिद सर की, लेकिन वो नहीं लेनी है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए केवल जो है क्या कीजिएगा, जो नोट्स आप लीजिएगा, जो कोचिंग का नोट्स लीजिएगा, वो है आलोक रंजन सर दिल्ली में पढ़ाते हैं, या कुमार गौरव सर दिल्ली में पढ़ाते हैं, इन दोनों में से आप किसी का नोट्स लेकर आप बाकी चीज़ें वहाँ से पढ़ लीजिएगा। सारी की किताब लेने जाइएगा तो ज्योग्राफी तैयार करने में आपको साल भर लग जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। मात्र ये चार पाँच जो किताबें मैंने बताई है, पाँच चार छः किताबें हो गई, तो ये तो बहुत पतली है, जो बिहार की ज्योग्राफी की किताब है, आरसी तिवारी से सेलेक्टेड पढ़ना है, डीएस लाल से सेलेक्टेड, सब में से चार पाँच छः छः चैप्टर पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। भौतिक भूगोल से भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, लेकिन ये बेसिक ज्योग्राफी की किताब है, ये आपके पास होनी चाहिए, समुद्र विज्ञान और ज्योग्राफिकल मॉडल्स। ठीक है, तो ये छः किताबें आपने लेनी है, जिसमें से चार नंबर जो है ये मिलेगा नहीं आपको मार्केट में, इसकी फोटो कॉपी मिलेगी, वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको लेनी है आलोक रंजन सर की, अगर आप पटना में रहते हैं या आप बाहर रहते हैं तो किसी से भी दिल्ली में फ़ोन करके मंगा लीजिएगा, या कुमार गौरव सर की, जो भी आपको मिले दोनों में से। तो आलोक रंजन सर को एक पे रखिएगा चॉइस में, दो में कुमार गौरव सर को चॉइस में रखिएगा, दोनों में से कोई भी आप मंगा लीजिएगा, जहाँ भी आप होंगे देश में वहाँ किसी से दिल्ली से जो है खरीद कर फोटो कॉपी मिल जाएगी इसकी, क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स, उसको जो है स्पीड पोस्ट करवा लीजिएगा, वो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में मिलती है, या राजेंद्र नगर में भी आई थिंक मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनमें कुछ किताबें चेंज होंगी, एक तो आपका जो है क्लाइमेटोलॉजी और ओसनोग्राफी दोनों अलग अलग लेनी है डीएस लाल की, तो सेम ही है, ये किताब लीजिएगा। बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो रिसर्च की किताबें मत ले लीजिएगा, रिसर्च आप लिख के आ जाइएगा तो आपको वो अच्छे से फिर वो अपना ज्ञान आपको दे देंगे। फिर दूसरा जो है फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह का ले लीजिएगा, या जी सी लियोंग की भी ठीक है, जी सी लियोंग से भी आपका काम चल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में इसमें चेंज करके आप डी आर खुल्लर का लीजिएगा, खुल्लर की किताब ज़्यादा अच्छी है इंडियन ज्योग्राफी में, माजिद हुसैन की तुलना में ये किताब ज़्यादा बेहतर है, तो खुल्लर के साथ आप जाइएगा। ज्योग्राफिकल मॉडल्स आप ले सकते हैं, ज्योग्राफिकल मॉडल्स इसको जो है ये माजिद हुसैन का आप ले सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है, आप ऑनलाइन ले लीजिएगा या फिर जो भी आपकी दुकान आसपास होगी वहाँ से जैसे आपकी सुविधा होगी वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नोट्स आपको केवल जो है वो लेनी है आलोक रंजन सर की, ये इंग्लिश में ही आती है, इंग्लिश में इनकी आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप आलोक रंजन सर का नोट्स ले सकते हैं। बिहार के भूगोल में जो भी आप प्रीलिम्स की किताब पढ़ रहे हैं उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, उसी में से कंटेंट कुछ कुछ तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब इंडियन ज्योग्राफी का लिखेंगे सेक्शन टू में, तो वहाँ पे जो है सेक्शन टू के क्वेश्चन में जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें एक पैराग्राफ आपको जो है बिहार का जो है थोड़ा सा जोड़ देना चाहिए, तभी आपका आंसर ज़्यादा परिपूर्ण हो जाता है, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखिए, और जहाँ पे देखिए क्वेश्चन के शुरू में जो है जैसे भूमिका वगैरह लिखा, तो भूमिका में आप डायग्राम मत बनाया कीजिए। मैं कुछ आंसर चेक कर रहा था स्टूडेंट का, तो उसमें देखा था कि भूमिका में ही वो डायग्राम बना रहा है, तो भूमिका में डायग्राम नहीं बनाना, जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे ज़रूरी हो वहीं पे डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, बीच में मत बनाइएगा। ठीक है, चलिए, जो भी डाउट होंगे अगर कुछ तो नीचे आप कमेंट में दीजिएगा, अदरवाइज जो है हम फिर जो है अगले सीरीज को लेके इसी में जो है आगे हम और ऑप्शनल लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नमस्कार।